जैसे ही मॉडिफिकेशंस, रिस्टोरेशन सारा प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा, हम तुरंत रोड ट्रिप शुरू कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हाईवे। बट आज हम बात करने वाले हैं इसके इंजन, इंटीरियर एंड इसके क्लच के बारे में, एंड ओवरऑल जैसे कि इतने टाइम के बाद ये किस तरह से मेंटेन हुआ है। तो अभी हम इतने सही लोकेशन पे आ ही गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका वो वाला ड्राइव ब्लॉग बनाया जाए जो मैं सोच रहा था। आई थिंक अगर इंजन की बोलें तो मैंने इसके इंजन को 10,000 तक भी जाने नहीं दिया है, उसके पहले ही मैंने इसकी सारी सर्विस करा ली है, क्योंकि अगर सॉफ्टनेस रखनी है गाड़ी में तो इसकी सर्विस विद इन टाइम या टाइम के पहले ही करा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो करने से सॉफ्टनेस आती है तो वो करने में कोई भी बुराई नहीं है। थोड़े पैसे जाएंगे बट गाड़ी बहुत अच्छी रहेगी, खासकर पुरानी गाड़ी। नई गाड़ियों को तो ज़रूरत नहीं है बट पुरानी गाड़ियों को। तो मैंने इंजन ऐसे मेंटेन रखा है कि इसको किया है टाइम से पहले सर्विस, टाइम से पहले फिल्टर्स हो गया, सारी चीज़ें हो गई जो सर्विस में आती है, बट सिर्फ मेजर सर्विस मैंने नहीं की है अब तक। 30,000 प्लस हो चुकी है गाड़ी मेरे लेने के बाद, बट मेजर सर्विस नहीं हुई है। अगर हम क्लच की बात करें तो क्लच को मैंने अब तक मेरे अलावा कोई चलाता नहीं है गाड़ी, मुश्किल से मुश्किल मेरा एक भाई और एक बेस्ट फ्रेंड हो गया, एंड उनको भी मैं वॉर्न करके देता हूँ गाड़ी कि भाई क्लच इस तरह से दबाना है कि क्लच का काम होने के बाद में क्लच को धक्का भी नहीं लगाना है। अगर गियर का काम हो गया तो उसके बाद कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्लच पे पैर रखने की, या फिर ज़्यादा देर तक पैर हाफ क्लच पे गाड़ी चलाने की या हाफ क्लच पे उठाने की। फटक से इसको छोड़ देना है एंड उसके बाद क्लच को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इस्तेमाल क्या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ गियर चेंज करने में एंड इनक्लाइन पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो तभी इस्तेमाल करना। मैंने बताया था कि मैंने क्लच को अब तक कैसे इस्तेमाल किया है, सो आई विल शो यू। जैसे इस गाड़ी में यहाँ पे डेड पेडल लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इसको डेड पेडल कहते हैं, तो जैसे ही क्लच का काम हो जाता है ये पैर यहाँ पे रखा जाता है। तो ये हर गाड़ियों में डेड पेडल शायद होता भी है या नहीं भी, बट अगर ना भी रहे तो गाड़ी का क्लच का काम होने के बाद पैर साइड में आ जाता है, उसके बाद तब जाके ये क्लच इतना मेंटेन हुआ है। ऑलमोस्ट 50,000 से ऊपर गाड़ी चल चुकी है, अब तक क्लच का काम नहीं है। एंड सॉफ्टनेस देखो इसकी, जैसे नया क्लच होता है ना उस तरह से ये प्रेस होता है। उसके बाद अगर इसके इंटीरियर की हम बात करें तो इंटीरियर को भी मैंने ऐसे ही चमका के रखा है। मैं हमेशा इसको पॉलिश नहीं लगाता हूँ बट साफ करते रहता हूँ गाड़ी को, एंड मिट्टी होगी तो इसके ग्लास ऊपर चढ़ा लेते हैं हम लोग, एंड उसके बाद तुरंत इसको साफ भी कर लेता हूँ, एंड उसके बाद ज़्यादा पॉलिश मैं यूज़ नहीं करता हूँ, इसीलिए इसका इंटीरियर भी ज़्यादा मेंटेन हो चुका है। इतने टाइम के बाद भी इसका रोड प्रेजेंस जैसा का वैसा है, मतलब गाड़ी अभी भी हाईवे पे एकदम जैसे कि न्यू गाड़ियाँ चलती है उस टाइप से ये गाड़ी परफॉर्मेंस देती है। एंड अब तक मुझे ऐसे क्लच रिलेटेड, इंजन रिलेटेड कभी भी इसने हाईवेज पे तो परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया हाईवेज पे। देखा जाए तो गाड़ी इसी तरह से मेंटेन होती है। अगर इस ऐसी गाड़ियों को अगर डेली यूज़ करेंगे तो फिर भाई इसका मेंटेनेंस किसी को नहीं सुनेगा, एंड उसके बाद ना फिर इसमें रोड प्रेजेंस रहेगी, थोड़ा गाड़ी अनबैलेंस लगेगी, बाकी बहुत चीज़ें हैं जो ऐसे आएगी डेली यूज़ करने के बाद और रफ़ रोड्स पे यूज़ करने के बाद, जैसे ये हो गया और हाईवे हो गया तो डिफरेंस है। तो अगर आपका डेली ड्राइव अगर ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे रोड है तो ये गाड़ी पूरी लूज़ हो जाएगी। लूज़ होने के बाद इसको फिटिंग्स करना फिर वो बात नहीं आती है, सो टेक केयर, अच्छे रोड्स पे चलाना और बाकी रफ रोड्स से संभल के रहना, इतना ही इसका ख्याल करना है, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं। फाइनल वर्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि हम हो सकता है नेक्स्ट वीक में हम इसके चारों टायर्स, हेडलाइट्स, बैक लाइट्स, बम्पर एंड ऑल एक्सेसरीज रिलेटेड चीज़ें, गाड़ी को फेसलिफ्ट करना और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपकमिंग है एंड इमीडिएट होने वाली है। ये तो मैं यहाँ पे आया था इसलिए मैंने सोचा कि ये नेक्स्ट पार्ट था जो मैंने मेंटेन कर रखी है उस बारे में बताने का, तो मैंने सोचा कि बता ही देता हूँ। एंड उसके बाद स्टे ट्यून रहना, गाड़ी की इंजन रिस्टोरेशन होने वाली है एंड गाड़ी का जो बाकी मेंटेनेंस है, जैसे हेडलाइट्स डिम हो चुके हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, बम्पर भी चेंज हो जाएगा एंड उसके बाद बाकी बहुत चीज़ें गाड़ी की चेंज होने वाली है। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब, देखते रहना अगली जर्नी कैसी रहती है। एंड मैं अपने अब तक इसका मॉडल एक्चुअली बताया नहीं है एंड वो मॉडल मैं बताऊंगा, ये राइडर मॉडल है 2006। ही मॉडिफिकेशंस, रिस्टोरेशन सारा प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा, हम तुरंत रोड ट्रिप शुरू कर देंगे।
जैसे कि हम ऑलरेडी एक रोड ट्रिप पे हैं, तो ये रोड ट्रिप ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बजट रिलेटेड होगी एंड स्टे रिलेटेड होगी, मतलब बजट फ्रेंडली होगी, तो काफ़ी इंजॉयबल एंड एंटरटेनमेंट होगा उसमें। सो स्टे ट्यून, उसके लिए भी आप कंटिन्यूटी में रहना कि गाड़ी के बाद गाड़ी के ट्रैवल वीडियोज़ भी आएंगे एंड मैं कैसे चलाता हूँ इसको मैं वो भी बताता हूँ। उसके बाद मैंने क्लच के बाद इंटीरियर की बात की थी कि इंटीरियर भी मैंने एज इट इज़ मेंटेन कर रखा है, तो इंटीरियर मेंटेन करने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, बस विंडोज क्लोज रखना है हमेशा अगर धूल वूल ज़्यादा हो तो, एंड एसी का आउटर बंद करना है। एंड उसके बाद लुक एट दिस इंटीरियर, काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि इतना टाइम हुआ है इसको। ये मेंटेन होने की वजह वही है कि मतलब गाड़ी क्लोज रहती है, भले एसी बंद रहो बट जब भी धूल आती है मैं विंडोज को क्लोज कर देता हूँ। सो जैसा कि वैसा इंटीरियर अब भी है। मिलते हैं हम फिर नए वीडियो के साथ।